सोनभद्र दौरे पर आए श्रम मंत्री को रेणुकूट में स्थित सालों से बीमार अवस्था में पड़ा राज्य बीमा चिकित्सालय से अवगत कराते हुए सौंपा ज्ञापन। आपको बताते चलें कि श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष राज्य मंत्री सुनील बराला के सोनभद्र में प्रथम आगमन पर पीपरी में श्रम विभाग द्वारा समारोह आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील बराला। बराला जी ने इस दौरान परिषद द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और प्रचार प्रसार करते हुए इसकी समीक्षा भी की। आपको बताते चलें, इस दौरान बीजेपी के मनोनीत सभासद राज वर्मा ने रेणुकूट में स्थित राज्य कर्मचारी बीमा चिकित्सालय, जो सालों से बीमार अवस्था में पड़ा एकमात्र कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय की दुर्व्यवस्था से अवगत कराया। वह कहा कि मजदूर अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में जमा कराता है, किंतु कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय में उचित व्यवस्था, पर्याप्त डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति न होने के कारण वहाँ के मजदूरों को काफी असुविधा होती है। अतः इस समस्या को अति शीघ्र हल कराया जाए, जिससे सरकार की इस योजना का लाभ हर मजदूर सुचारू रूप से उठा सके। इस समस्या को जल्द ही हल किया जाएगा। इस अवसर पर जिला संयोजक भाजपा आईटी विभाग अभय सिंह, उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह, जयप्रकाश शुक्ला, प्रेम रावत, सभासद प्रदीप, अजित गुप्ता, मनोज पांडे, उमेश ओझा, राजकुमार शर्मा, आशीष मिश्रा व अन्य दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोनभद्र से शिव नरेश की रिपोर्ट।